बजट को लेकर डॉक्टरों में नाराजगी है। बजट घोषणा में राजस्थान सर्विस रूल्स को राजमेश द्वारा अपनाने का प्रावधान है। डॉक्टरों का कहना है कि इसके क्रियान्वयन गलत तरीके से की गई है। पुराने कर्मचारियों को आरएसआर के नियमों से बाहर रखा गया है, जो न्याय के नियमों के खिलाफ है। आईएमए राजस्थान ने राजमेश चिकित्सकों की वैधानिक मांग का समर्थन किया है। राज्य सरकार के सामने अपनी मांग रखी है कि राजमेश में पुराने कर्मचारियों को भी आरएसआर नियमों के अंतर्गत शामिल किया जाए। डॉक्टरों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार को सोमवार तक का समय दिया है। अगर सोमवार तक मांग पूरी नहीं होती है तो डॉक्टर आंदोलन को उग्र करेंगे। डॉक्टरों के अवकाश पर जाने से चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ सकती है और इसका असर 17 मेडिकल कॉलेजों पर दिखेगा। डॉक्टरों ने बताया कि राजस्थान में 3 तरह के मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 17 मेडिकल कॉलेज राजमेश द्वारा बनाए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े शिक्षकों को आरएसआर का लाभ मिलना चाहिए। सरकार की ओर से लगातार आश्वासन मिल रहा था। सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद भी लेकिन बजट में नए प्रावधानों में पुराने डॉक्टरों को आरएसआर में शामिल नहीं किया जा रहा, जिसका डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर हड़ताल पर भी जा सकते हैं। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से राजमेश मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो विसंगति हो रही है उसके फेवर में यहाँ पे बोलने आए, और हम चाहते हैं कि जो परिलाभ नए चिकित्सकों को अब देने जा रही है सरकार 1 अगस्त 2024 से, वो राजमेश में पूर्ववर्त जो पहले से कार्यरत मेडिकल फैकल्टी है उनको भी समान रूप से दिया जाए। आज हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जेएमए प्रांगण में, और हमारी मुख्य मांग ये है कि हम राजमेश के साथ खड़े हैं इस मांग में, जो उनकी एकमात्र जो उचित मांग है कि राजमेश ये चाहता है जो पूर्ववर्त चिकित्सक उसमें मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी 2017 से 2024 तक, उनको भी समानांतर वही श्रेणी में रखा जाए जो 1/8/24 के बाद में जो चिकित्सक ज्वाइन करेंगे एज मेडिकल टीचर्स राजमेश के अंदर। तो ये एक क्लॉज उसमें डाला गया है कि ये सुविधा सिर्फ 1/8/24 के बाद जो मेडिकल चिकित्सक आएंगे और जो शिक्षक आएंगे उनको मिलेंगी आरएसआर रूल्स वाली, वो जो पूर्ववर्त चिकित्सक जो शिक्षक हैं उनको नहीं मिलेगी। वो बिल्कुल गलत है और इनकी न्यायोचित मांग के साथ आईएमए खड़ा है। सरकार ने मांग बिल्कुल सरकार ने तो मांग रखी है, और सरकार ने ही राज्य सेवा नियम देने का प्रावधान खुद बजट के अंदर अनाउंस किया, और वो हमें मिल भी रहा है, लेकिन वो मिल रहा है 1/8/24 के बाद वालों को। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से सभी 17 मेडिकल कॉलेजों के टीचर्स का सामूहिक अवकाश ले रखा है हमने, और सभी जिला चिकित्सालयों के इसका विरोध प्रदर्शन जारी है कि एटलीस्ट हमें डाइंग कैडर नहीं चाहिए, हमें समान राज्य सेवा नियम चाहिए। और यदि ये स्थिति ऐसे गतिरोध बरकरार रहता है तो आने वाले समय में इसको और उग्र करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग, और सरकार तक हमारी आवाज़ और हमारी पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं कि आप देना चाहते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी गण है, जो प्रशासन है, चिकित्सा शिक्षा विभाग है, उसकी मंशा गलत है, वित्त विभाग की मंशा गलत है। तो आप हमें आश्वस्त करते हैं कि हमें भी इन सभी चीज़ों का बिल्कुल जितना राज्य सेवा नियमों के अंतर्गत लाभ मिलना चाहिए वो हम सबको मूल रूप से मिलेगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज़ तो फिर हमारा यही है कि हम दिनांक जो अगला आने वाला मंगलवार है उस दौरान सभी के सभी 17 मेडिकल कॉलेजों के सभी चिकित्सक शिक्षक, वहाँ के स्टूडेंट्स और हमारे जो सहयोगी चिकित्सक समुदाय है, हमारे रेजिडेंट्स हैं, उन सब के साथ आएंगे और हमारी डिग्रियाँ जलाएंगे, हम हमारे रजिस्ट्रेशन और इस्तीफे सौंप देंगे और ये राजमेश के ताला लगा देंगे।